बिना 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 साथियों, ये जाने माने हमारे बड़े भाई मनोज दे, झारखंड की आन बान और शान, इन्होंने मॉर्निंग में सूचना दिया कि मुबारक जी कहीं सांप देखा गया। कहाँ है भैया? अरे गाड़ी निकालना है, वहीं पे पूछ। तीनों जी नमस्कार, गुड मॉर्निंग बड़े भाई। कौन सांप है लेकिन पता नहीं है। अच्छा, चूंकि लेट हो गया इसलिए थोड़ा सॉरी। कहाँ पर नजर आया? वो कोना में देखा। अच्छा, कोना में है, अभी भी मुड़ी निकाल रहा हूँ। चलिए हम देखते हैं। सर पकड़िए इंस्ट्रूमेंट हमारा है। साथियों, चॉकलेट का जार में बिल्कुल सांप को ना रखें, आए दिन दुर्घटना होते रहती है। क्या होता है? सुरक्षा के दृष्टि से ये बैग बहुत जरूरी है। होता क्या, बहुत सारे रेस्क्यूअर जो होते हैं ना, वो चॉकलेट का जार में सांप को जबरदस्ती डालते हैं, कहीं ना कहीं बाइट हो जाता है और बाइट हो जाने से बचना सर मुश्किल है। चिनू जी आज हमारा साथ दीजिए इस मुहिम में। इसको पकड़िए, यही देखे भैया। अरे ये तो कोबरा है, वो भी स्पेक्टिकल कोबरा है, ये जहरीला सांप। इसकी आवाज से रूह कांप जाती है। मनोज भैया, मनोज भैया के तरफ थोड़ा सा कैमरा दिखलाइए। हमारे आन बान और शान, झारखंड की शान, एक ऐसा ही जिंदा दिल इंसान। कुछ लोगों ने अफवाह उड़ा रखा था कि मनोज भैया बुलाएंगे नहीं, मनोज भैया भेंट नहीं करते। ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल गलत है। ये दिखते हैं ऐसा ही कि लोग एक ही नजर में पहचान जाएंगे कि ये मनोज जी है। साथियों, बिना बिना ट्रेनिंग लिए सांप को बिल्कुल हैंडलिंग ना करें, और नहीं तो ये जानलेवा होगा। चिनू जी कैसा फील कर रहे हैं? अभी बीच में ध्यान से सुनिएगा, बीच में बॉन्किंग दास फ्रॉम मालदा वेस्ट बंगाल, वो कहीं ना कहीं ठेवना को हिला रहे थे। अरे ठेवना हिलाएगा तो दोस्त ये कैप रखो, दांत गड़ता है तो इस पर गड़ जाएगा, क्योंकि सांप जो होते हैं ना कलर ब्लाइंड होते हैं, सांपों को ब्लैक कलर दिखता है। या एक टोपी ले लो, जैसे देखबे यही टोपी ही मेरा टैग है, ये टोपी हमेशा रहता है। ओझा गुनी झाड़ फूंक तंत्र मंत्र के चक्कर में ना रहे, और नहीं तो मारा जाइएगा। थोड़ा सर आइए ना यहाँ पर, कुछ ऐसा बात नहीं है। पृथ्वी सबसे विषाक्त, पृथ्वी सबसे विषाक्त प्राणी होच्छे मानुष, मानुष थेके विषधर प्राणी पावा जाएंगे कि मनुष्य दा? नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं है मनुष्य दा। सांप देखिए आज नागिन डांस करेगी, देखिए मंडोले डंडोले, देख रहे ना है? सांप का कान नहीं है इसलिए सांप नाचता नहीं है, जस्ट ये टोपी देखिए, वो सांप डर फील कर रहा है इसलिए अंदर की ओर जा रहा है, देखिए छुप जाएगा वो, देख लिए? इसलिए आदमी सबसे ज्यादा जहरीला है, आदमी के कारण डर से ही वो छुप गया। क्या मनोज भैया? आदमी सबसे ज्यादा विषैला। हाँ 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 हा। लोगों, युवा पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहिए? थोड़ा मेरे ही चलते थोड़ा सा आइए यहाँ पर, कि सांप को अगर हैंडलिंग करें तो किस चीज से करें? इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए, फुल सेफ्टी होना चाहिए, जरूर जरूर, जूता पहनना जरूरी, एकदम एकदम, ग्लव्स लगा लेंगे तो और ज्यादा। बहुत बहुत ही सही चीज बता रहे हैं आप, युवा पीढ़ी हमारी नकल ना करें। इस काम में लगभग 50-51 साल हो गया है, आए दिन अक्सर दुर्घटना होती है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। चिनू भैया सीखिएगा स्नेक रेस्क्यू करने? नहीं जरूरत है, हमको नहीं जरूरत है। बहुत इजी है, सिर्फ इसको एक पढ़ाई है, सांप को छूने से पहले समझना है कि वो काटेगा या नहीं काटेगा, इसलिए बिल्कुल देखिए, ये काला टोपी के ही तरफ उसका कॉन्सेप्ट रहता है। लीजिए भाई टोपी संभालिए आप, हमारा हाँ हाँ कैमरामैन को टोटल पता रहता है ना। और हम रिक्वेस्ट करना चाहेंगे चीनू भैया और मनोज भैया से कि कम से कम
मेरे पीछे बगल में खड़ा हो जाएगा तो एक थंबनेल हमारा बन जाएगा पीछे मेरे साथ। चिनू भाई आइए आइए आइए। बहुत अच्छा लगा कि हमारे साथ साथ इस मुहिम में हमारे बड़े भाई मनोज देव भी मिले हुए हैं। सांप बचाइए, पर्यावरण बचा रहेगा, और सांप को भूल से चॉकलेट का जार में ना रखें। जय हिंद, जय भारत, और गर्व से कहेंगे थोड़ा सर वंदे मातरम। वंदे वंदे मातरम। तो प्रख्यात यूट्यूबर मनोज दे, मनोज दे के सूचना पर ये सांप हमने रेस्क्यू किया है। आज इसी प्राकृतिक परिवेश में रिलीज कर रहे हैं। साथियों, पर्यावरण को अगर बचाना है तो इसका विकल्प क्या है? गाछ वृक्ष पेड़ पौधा जरूर लगाएं। कम से कम महीना में दो चार पेड़ जरूर लगा दीजिए, क्योंकि पर्यावरण को हमें बचाना है, आपको बचाना है। तो साथियों, रिलीज करने का मजा ही कुछ अलग है। और साथियों, मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। देखिए ये विषधर, जाने दीजिए इसे। ए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।